सो हेलो गाइस, इस वीडियो में श्रीरामपुर कॉलेज का फुल फॉर्म फिर प्रोसेस बताया जाएगा आप लोग को, जो कि 1 जुलाई से चालू हो गया था, राइट? सो सबसे पहले आपको श्रीरामपुर कॉलेज ऑनलाइन एडमिशन 2023-24 सर्च कर लेना। उसके बाद इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, श्रीरामपुर एडमिशन डॉट SER कॉल कनेक्ट डॉट इन, ठीक है? श्रीरामपुर कॉलेज एडमिशन, इस पर क्लिक कर लेना। देखो ऐसा इंटरफेस आएगा, देख लेना, याद कर लेना, ठीक है? फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई कर लेना है, ठीक है? लॉग इन विथ अभी नहीं करना क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम है, तो रजिस्टर्ड हियर करेंगे। आप यहाँ पे नेम दे दो, अपना नेम दे दो, ईमेल दे दो, अपना नंबर दे दो, और पासवर्ड देना है आप लोग को, बेसिकली जो होता है स्पेशल कैरेक्टर वगैरह सब कुछ मिला के वो देना। ये देख के उसके बाद रजिस्टर्ड पे आप क्लिक कर लेना। रजिस्ट्रेशन हो गया, SMS या ईमेल गया होगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है? तो हम देख लेता है। और एंटर OTP, OTP मेरे मोबाइल में आया, तो आप लोग भी एक बार OTP, सॉरी OTP मेरे ईमेल में आया है, राइट? तो ईमेल में भी एक बार आप लोग चेक कर लेना, आप लोग का अगर मोबाइल में नहीं आया हो तो 4240 वेरीफाई, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब आता है क्लिक हियर टू अप्लाई में चले जाओ। अप्लाई करना है 3 ईयर का कोर्स, पहले जैसे था जनरल कोर्स, या फिर ऑनर्स कोर्स का 4 साल का करना है। तो 4 साल पे क्लिक करते हैं, अभी 4 साल वाला दिखाते हैं। तो BA करना है, BSc करना है, BCom करना है, हम BCom पे दिखाते हैं, ठीक है? अब चलो, मेजर से मेजर एक ही है जो है इसमें, वही उसमें तुमको कोई चॉइसेस नहीं मिलेगा, तुमको जैसे आर्ट्स वगैरह में मिलता है, इसमें चॉइसेस नहीं है, वही चीज़ तुमको सेलेक्ट कर लेना होगा। जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लेना। ब्लड ग्रुप तुम्हारा क्या है वो डाल दो, अगर नहीं पता तो कोई भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई चेक करने नहीं आएगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑब्वियसली गूगल से देख लेना, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तुम्हारा क्या है। हम फॉर एग्जाम्पल सियालदह डाल देता है। लोकेलिटी, लोकेलिटी तुम गाँव इलाका में रहते हो तो सेमी अर्बन दो, और शहर में रहते हो बहुत शहर बहुत डेवलप, मतलब डेवलप थोड़ा बहुत है, अर्बन दे दो। मोबाइल नंबर होगी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं, रेड मार्क नहीं है ये नहीं है। और परमानेंट एड्रेस तुमको यहाँ पे देना है, जहाँ पे तुम एग्जैक्टली हमेशा रहते हो। इंडियन सेलेक्ट की है, स्टेट सेलेक्ट किए, और एड्रेस पिन दे दो। और तुम मान लो कि दूसरे स्टेट से इस स्टेट में पढ़ने आओ, तो तब यहाँ पे इस स्टेट में कहाँ पे रहोगे, कहाँ पे रहोगे, फॉर एग्जाम्पल किसी PG में, या फिर किसी हॉस्टल में, या फिर उस जगह का एड्रेस एक, अगर मान लो कि अभी PG लिए नहीं, तो कोई भी एक तो भी PG का कोई भी एड्रेस दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिफिकेशन उतना नहीं होता है, नहीं तो फिर सेम करके आगे बढ़ो, सेम कर दिए आगे बढ़ो। डेट ऑफ बर्थ एज पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सिंपली हम बोल रहे हैं कि आप लोग को जो 10th का बोर्ड, ये 10th का जो है ना एडमिट कार्ड, उसमें जो दिया हुआ था बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ डेट वही देना है आप लोग को, ठीक है? आधार नंबर दे दो, नेम ऑफ फादर दे दो, जो आपका क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड में है, नेम ऑफ फादर वही देना, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर क्या है, नेम ऑफ मदर दे दो, और मम्मी करती क्या है, कुछ कुछ नहीं करती तो हाउसवाइफ दे देना। रिलेशनशिप गार्जियन, गार्जियन किसको बनाना है, फादर की मदर को, तो फादर को बनाते हैं बेसिकली होता है जो, ठीक है? ईयरली इनकम ऑफ गार्जियन, गार्जियन फादर को बनाते, फादर का बेसिकली 2,40,000 तक देना, या 50,000 तक, 2,50,000 तक देना ईयरली इनकम पूछा है, क्योंकि बाद में फायदा होगा तुम्हारा थोड़ा, ठीक है? लोकल गार्जियन में, लोकल गार्जियन तुम्हारा कंपलसरी नहीं है, मान लो कोई होता है ना कि दूसरे स्टेट से इस स्टेट में आया, किसी अंकल के घर में रह रहा है, तो लोकल गार्जियन का यहाँ पे नाम दे देता है, ठीक है? कैटेगरी तुम्हारा जनरल हुआ, जनरल ही देना है। अगर SC ST दोगे तो तुम्हारा वेस्ट बंगाल का सर्टिफिकेट मांगेगा। देखो क्या लिखा, ST SC OBC कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट इफ दे बिलोंग टू अदर स्टेट देन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अदर स्टेट का कोई भी SC ST है वो जनरली ट्रीट होगा, नेशनलिटी इंडियन, वेस्ट बंगाल। रिलीजन सेलेक्ट कर लो कौन सा रिलीजन है। फिजिकली चैलेंज 40% मिनिमम है, तभी तुम्हारा यस होगा, नहीं तो नो होगा। और होने के भी सर्टिफिकेट चाहिए। स्टाफ वार्ड कोटा, मतलब कि कोई स्टाफ के रिलेटेड, स्टाफ का बेटा बेटी है तो यस, नहीं तो नो। क्लब वन इसका तो मुझे, एक मिनट, ठीक है? यहाँ पे आप क्रिश्चियन कोटा, क्रिश्चियन कोटा तुम्हारा अगर माइनॉरिटी में हो तो यस, नहीं तो फिर नो कर दो, ठीक है? फुल नेम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, द हायर सेकेंडरी दे दो यहाँ पे, हायर सेकेंडरी, ठीक है?
बोर्ड देना है, सेलेक्ट बोर्ड, कौन सा बोर्ड से तुम किए हो, ठीक है, कौन सा बोर्ड से तुम पास किए हो क्लास 12, वो देना। मार्शल स्टेट, मैरिड और अनमैरिड, वो सिलेक्ट करना है। कौन सा स्ट्रीम से कर रहे हो वो सिलेक्ट कर लेना। एपीएल देखो, अगर बीपीएल करोगे, बीपीएल का सर्टिफिकेट चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट नहीं है तो एपीएल ही करना हो। पास आउट ईयर कौन सा ईयर में पास किया, 2023 में, इस साल क्लास 12 का बात हो रहा है, तो नहीं तो 22 का ही कर देना अगर नहीं किया तो। इस साल रोल नंबर, लास्ट एग्जाम पास, लास्ट एग्जाम मतलब कि क्लास 12 का रोल नंबर दे दो। बांग्ला शिक्षा आईडी अगर तुम्हारे पास है तो यस, नहीं तो मतलब करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी कुछ नहीं है, ठीक है। एक क्लब है, क्लब का हम देख लेते हैं क्या है। फिर भी अगर मे भी होता है किस क्लब में ज्वाइन करना है तुमको, कोई भी मतलब किसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो चीज़ है, तो जिसमें तुमको इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट कर देना, बाद में फिर भी तुम्हारा कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। अब सिग्नेचर करना है 50 KB का अंदर, ठीक है। कंपलसरी मेरा यहीं पे सिर्फ यही है, सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर ही है, तो सिग्नेचर हम कर देते हैं जो कि 50 KB के अंदर होगा। हो गया। और फोटोग्राफ 50 KB के अंदर, एज प्रूफ सर्टिफिकेट मांग रहा है, एज प्रूफ सर्टिफिकेट दे दो। मार्कशीट मांग रहा है, मार्कशीट, मार्कशीट ऑब्वियसली क्लास 12 का देना है तुमको। कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हारा, तुम डाले हो तो डाल देना, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं डालने का जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है टॉप 4 मार्क्स देना सब्जेक्ट का, ठीक है ना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटरेंट +2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, टॉप 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना खुद से। जो तुम्हारा टॉप 4 सब्जेक्ट है, कर लिए। थ्योरी का फुल मार्क्स कितना है, थ्योरी का, थ्योरी ऑब्वियसली तुम्हारा क्या होता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अच्छा, थ्योरी का पास मार्क्स पूछ रहा बगल में, तो थ्योरी का पास मार्क्स 30% 24 होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट का फुल मार्क्स कितना होगा, तब 20 होगा। किसी का बाइफर्केशन नहीं है ना, तो तुम लोग थ्योरी का फुल मार्क्स में 100 देना और प्रोजेक्ट का फुल मार्क्स में 0 दे देना, ठीक है, हो जाएगा काम। अब आता है प्रोजेक्ट का मार्क्स, पासिंग मार्क्स 6 होगा, 30% ये भर दे। अब यहाँ पे तुम्हारा मेन काम है थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन, 80 में कितना मिला वो लिखो, प्रैक्टिकल में तुमको कितना मिला, 20 में कितना मिला, 20 मिला, किसी में 19 मिला, किसी में 90 मिला, किसी में 20 मिला, ये तो अपने आप सारा आ गया। उसके बाद ये भरने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा मेन यही है, ठीक है। और कंपलसरी लैंग्वेज तुमको सेलेक्ट करना है इंग्लिश की बंगाली, क्योंकि इंग्लिश ये ACC2 में तुम जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे उसी लैंग्वेज का एक एग्ज़ाम होगा तुम्हारा कॉलेज के दौरान, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू फाइनल सबमिट। अच्छा, इंग्लिश तुम्हारा यहाँ पे एक होना ही चाहिए, एक इंग्लिश होना ही चाहिए, तो तुम्हारा इंग्लिश एक तो करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश एक ज़रूरी है। तो ठीक है, एक चीज़ मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, जहाँ पे आप लोगों को सब में ना 0 बैठा देना, तब होगा, तब लेगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर टिक कर दो, अब प्रोसीड टू फाइनल सबमिट। तो बेसिकली सब कुछ हो गया, सब एक बार आप लोग एक बार और क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ये चेक करके रिव्यू कर लिए एंड फाइनल सबमिट, एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। तो ये तुम्हारा है, अभी एडिट का ऑप्शन दे रहा है, पता नहीं, क्लिक हियर टू चेंज प्रेफरेंस कुछ कर सकते हो तो, और नहीं तो प्रिंट एप्लीकेशन यहाँ कर लो, ये प्रिंट करा लेना और रख लेना अपने पास, ठीक है। इसके बाद कोई दिक्कत होता है तो डेफिनेटली कमेंट में, इंस्टाग्राम का लिंक है कमेंट में, आप लोग को कमेंट में नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, या फिर आप कमेंट करके मेरे से क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। उसके बाद और भी कोई दिक्कत हो ड्यूरिंग योर
एडमिशन प्रोसेस, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।